लेता है सब तो। तो गाइज आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही रंग भर दे। और कल है होली दहन, तो आपको होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से, साची आर्ची व्लॉग्स की तरफ से, हैप्पी होली, हैप्पी होली। भगवान आपकी ज़िंदगी में खूब सारे रंग भरें और आपकी होली ऐसे ही आए और हमारी भी भगवान के दया से खूब सुख शांति है तो मैं कामना करती हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारी वो होली भी हर बार ऐसी आए। तो हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे आई हो कि आप सब ठीक है। तो आ गई हूँ मैं एक और अनदर व्लॉग लेके। तो टाइम हो गया है जी 8:30, 8:45, पौने नौ तो नहीं, 8:35 हो गया है। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, तो व्लॉग को लास्ट तक देखना, खूब सारा सपोर्ट करना। तो आ गई हम एक और अनदर व्लॉग लेके और इन गुड मॉर्निंग बोल और साची कल होली है। आज देखो इसके पापा तो खेल भी गए आजकल लेके, तो और बच्चों के साथ भी खेल गए। तो आज है शनिवार और कल है होली। तो गाइज वीडियो आज का बहुत मस्त होने वाला है और खूब सारा सपोर्ट करना। तो बस साची है ना, वो घर जाए साथ ही साथ खेल गए होली की। होली पे तो रहेगी नहीं, तो तेरे रंग लगा देते हैं। तो गाइज मैं अभी चाय बना के लाऊंगी। इसके पापा भी आज मतलब 8:35 पे 8:45 निकले हैं, आज उनके भी वहाँ पे होली होली खेली जाएगी। तो मैं सुबह सुबह देखो चाय बना के लाई हूँ, एक रोटी लेके आई हूँ देखो, और सब्जी बनाई है मैंने आज आलू और प्याज की। सुबह बोले बहुत दिन हो गया आलू प्याज की सब्जी खाई, वो बना रखी है और पतली वाली बना रखी है, ज़्यादा वो नहीं है, ग्रेवी वाली है देखो। तो सच्ची है जो कि बाथरूम में घुस रही है, और अभी मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, एक रोटी खा लेती हूँ, फिर लगूंगी काम के। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, खूब सारा सपोर्ट करना। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। खा रही है हाँ साची हाँ। और ये देखो साड़ी बांध रही है उठ के। तो क्या बांध रही है? कुछ भी बांध रही है। और ये साड़ी बांध, वो खाना खा रही है। अच्छा जी, तो नहीं जा रही गाँव में? नहीं जा, मुझे क्या पता कि नहीं जा रही। झूठ मत बोलो। झूठ क्या बोल रही? कह रहा मैं नहीं जा रहा भाई। तो कब जाएंगे? नहीं जाएंगे, अब यहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत होती है तेरे? तो अकेली तो 2 दिन रह आओगी तो? ना तो जा, तो अकेली चली जा, बस में बिठा दूं ले, चल जाएगी। तो अकेले भी कौन जाए, जा तो दूसरा तो जा, तो जा भाई, मैं भी जा। तो गाय दूसरे की चाह बना लिया। और ये देखो हमारा साड़ी बांध रही है, दिक्कत लग गई। साड़ी नहीं लेना, लहंगा बना रही। ओहो सच में देख ले, सड़ गाल गाल के लहंगा बना रही है। तो या छोरी देखा ना क्या करेगी बेरो ने, माँ की तैयारी पकड़ ली तूने? सामान डाल दी इसके ऊपर, डाल इसको खोल के इसके ऊपर डाल ले। हाँ हाँ, यहाँ ऊपर डाल ले। डाल दी इसको, साचे जा रही है भैया आज आपकी दादी का ना। कुछ है ये डाल ले इसको फोल्ड करके, नमकीन है वो पीछे डाल ले। होली पे पहन जाइए या ठीक है, आके खा लिए तेरी। पीछे वाले में डालिए नमकीन। हाँ हाँ इसमें, हाँ आ रही। चल पड़ी है गाँव में मुसाफिर, जा रही है हाँ। चलो ठीक है, साची गई है और इन्नू है जो कि देख लो रिश्वत से आई है वापिस, गाड़ी में बैठ गई थी जज के। मेरे को भी जाना है हॉस्टल में, जाना है मेरे को। दीदी तो हॉस्टल में जा रही है पढ़ने के लिए, जाना है आपको भी है? बड़ी होगी तब भेजूंगी दीदी, कहा गाँव में थोड़ी नहीं गई है दीदी, गाँव में कौन भेजेगा दीदी को, नहीं भेजूंगी ना। हाँ ये क्या लेके आई आइसक्रीम? रिश्वत लिया पूरी। तो साची गई है भाई घर। हाँ साची गई का बहुत ज्यादा हो रही हो,
15 दिन से कर रही है, भेज दो 10-12 दिन तो इधर ही आओगी। तो गाइज मैं तो खाना खा रही हूँ, भूख लग रही है, मेरे को 1:30 बज रहे हैं। पियो दूध पियो, टीवी देख रही है, दूध पियो। तो गाइज चाय बना ली हूँ और टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, तो अभी चाय बना के लाई हूँ। तो चाय बना के लाई हूँ, चाय पी लेती हूँ, आप भी चाय पी ले। और इन्नु है, दूध पी रही है, और साक्षी जैसे कि आपको पता है नहीं हो गई, तो चाय पी लेती हूँ। इन्नु एक फैन चला बैठा, गर्मी बहुत है, या मैं चला देती हूँ, आप रख के आओ किचन में, बहुत गर्मी हो रही है कि मैं ऊपर का है ना, धूप आती है ना साइड साइड से, तो गर्म हो जाए। पिछली गर्मी बहुत मुश्किल से निकाली, बहुत गर्मी थी इस रूम में, बहुत गर्मी, पहले नीचे रहते थे बिल्कुल गर्मी नहीं थी, पूरी गर्मी में ना पूरी रात कूलर नहीं चलता, और अभी देखो संडे से पंखे चल रहे हैं, तीनों साइड से ओपन है, ऊपर ही ऊपर का मकान है ये। वैसे इस साइड का ऐसा ही धूप नहीं आती है, लेकिन पीछे से ना विंडो वैंडो से धूप आती है, पिछली साइड से बहुत गर्मी है। पिछली गर्मी भी हमने बहुत मुश्किल से सोच रहे थे चेंज करेंगे, अगली गर्मी तक चेंज कर लेंगे, लेकिन सामान उठाने वाला बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है सामान उठाने वाला, ड्यूटी का जचाने वाला, रूम ढूंढना, टाइम है नहीं इतना। अच्छे हमारे सिंह भर दे इस टाइम बर्तन की, देखो 2 बर्तन हो रहे हैं, सॉरी बिना जी नहीं लग रही आज, तो सारे दिन कुछ ना कुछ बना ही जाए, वह खान पीन ना खुद ही, कभी कुछ बना लियो कभी, आजकल मेरे को नहीं कहती है खुद ही, और डाल के लेगी ये सामान है वहाँ की मम्मी, वहाँ बनाऊंगी खाऊंगी, तो उसके बिना मन ही नहीं लग रहा आज। यह है यह टीवी देख रही है, देखो सारा दिन की, वह देखो खा रही है कुछ, टीवी देख रही है वो बैठी। उस टाइम बड़ी खूब बच्चे खेलने लग गए हैं, कितने बच्चे बिना, आपको कैसा लग रहा है, है? है? गंदा लग रहा है, है? जय श्री श्याम। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और दो पूजा हो गया है मेरा लगभग सारा, तो अभी देखो आज है शनिवार, तो आज भैया की धूप लगाऊंगी, यानी हमारे राजस्थान में जो बोलते हैं नेत दादा, और यहाँ बोलते हैं भैया, भैया की धूप लगाऊंगी, चावल भिगो रखे हैं, तो मैं खीर बनती है, खीर लापसी, तो खीर बना लेती हूँ, खीर के साथ 2 रोटी चूर दूंगी, आज तो इसके पापा ही हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत खाएगी, आज सच्ची है नहीं, और फोन किया था, खूब खुश हो रही है। घूमे आओगी 10-15 दिन, तो ये देखो चावल को 2-3 बार धो लिया है मैं, और मैं चावल हो चाहे कुछ दाल हो ना, तो गाय 10-15 मिनट है ना पहले भिगो दिया करो। हाँ बेटा ये थोड़ा सा टाइट कर दो, हाथ से अपने आप तो नहीं निकल रहा, तू निकालती है बेटा, तू सारे खो देती है, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं बच्चा। तो खीर चढ़ा दी है और खीर बना रही हूँ, खिचड़ी नहीं बना, कभी कहती है मम्मी रोज खिचड़ी बना दो, आपका ही नहीं पता है भाई, 2 दिन की मलाई निकाल रखी है, दूध की यार वो जमा रखी आज, एक दिन तो फ्रिज में रखी थी, इन्नू का फूल था, पीटीएम थी, रिजल्ट आना था उस दिन, मैं कि लेट लेट हो जाऊंगी तो दूध फट जाएगा, तो फ्रिज में रखी, और एक दिन बाहर चले गई थी, आते हो ना तो सुबह जल्दी से गर्म करके, और फिर इतनी मोटी मलाई आती है, इतनी मोटी रोटी जैसी, तो 2 ओवर की मलाई का, और ये
गांव से अभी लाया हुआ है तो गरम करके है ना फ्रीज फ्रीज में रख देती हूँ ना, तो उसके बहुत ज़्यादा मोटी मड़ाई आ जाए, तो मैं अभी जमा रखी थी, तो इसका टिंडे का घी निकाल देती हूँ। मक्खन तो दिखाऊंगी मैं आपको कितना निकलेगा दो दिन की मड़ाई में, बैठ के निकालती हूँ। तो ये बाग था, थोड़ा सा बर्फ डाल लेती हूँ इसमें, नहीं तो ये जल्दी नहीं निकलेगा, बर्फ से जल्दी निकल जाएगा, ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो इससे निकाल लेती हूँ। क्या देख रही हो मैं बेटू? देख रही हूँ गरम है ये, 7 दिन का बाहर रखे है ना तो गरम हो गया, तो थोड़ा इससे बर्फ से ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ये देखो घी निकाल दिया, इतना घी निकला और कम से कम है ना 3 मिनट में निकल गया, देखो बर्फ डालने के बाद। और ये देखो 2 दिन की मड़ाई में और कम से कम ये ना आधा किलो टिंडी का घी निकल गया है, भगवान जाने इतना घी कैसे निकल जाए यहाँ के दूध में। हमारे घरवाली भैंस का है ना 5-6 किलो दूध का इतना घी निकलता है। रुको रुको रुको, 3 तो सही कह रहे हो, 4-5 किलो घी दूध का दही ले लिया अभी, ले कर ली। इन्नू मक्खन निकालते हुए बस निकाल ले, खीर बन गई है। और ये देखो इतना घी निकले आधा किलो, और ये अभी गर्मियां में निकलेगा क्योंकि कहीं जाना आना पड़ जाए ना, तो दूध जल्दी से गर्म करके फ्रिज में छोड़ के जाती हूँ, और सर्दियों में छोड़ना नहीं पड़ता है, एक आधी बार छोड़ दूंगी, देखो तो एक आधी में भी इतना घी निकल जाता है, क्योंकि अब फटने का भय रह गया। एक दिन पनीर बनाया था उस दिन थोड़ा थोड़ा स्मेल आने लगी थी, तो देखो आधा किलो घी निकले दो दिन की मड़ाई में। तो और ये देखो अभी बर्तन है ना चिकने विकने बर्तन होते हैं ना, ये बर्तन मान साफ करने बड़ा डिफिकल्ट काम है, अभी ये बर्तन साफ कर देती हूँ। क्या कर रहे हो बेटो? आज आज मैं बेटी की मन को नहीं बोलो, इधर आ जाओ, मन नहीं लग रहा क्या? जी किसकी याद आ रही है? और दीदी की याद आ रही है, मन नहीं लग रहा दीदी के बिना? आ जाएगी दीदी, अभी पापा आ जाएंगे, चीज ले आ देंगे, ठीक है? आइसक्रीम ला देंगे, पापा खाली आते हैं नहीं कभी, नहीं आते ना? नहीं। तो रात को आते हैं बेटा, वो रात को आते हैं जब दुकान क्या हो जाती है बंद हो जाती है, जब 10 बजे के बाद आते हैं, ठीक है? ऐसे खाली आते ही नहीं है, लो ये डस्टबिन में डाल के। प्रेस कर रहती हूँ अभी, सारा किचन का काम हो गया एक बार, बर्तन वर्तन सारे साफ कर आई हूँ, और खीर बन रही है, थोड़ी सी और उठ जाए फिर चूरमा बनाऊंगी, तब तक के लिए तो आलू सब्जी खा लेगी, आलू रोटी तो क्या खाएगी? ये अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रही थी मम्मी खिचड़ी मत बनाना, त्योहार पे खिचड़ी नहीं बनाती बेटा, त्योहार पे अच्छे अच्छे खाना बनाता है, ठीक है? खिचड़ी नहीं बनाती है, तो मैं परहेज कर दी, 3-4 जोड़ी बच्चे ये कल कर दी थी, फिर ये थोड़े हल्के सूखे नहीं थे, नहीं तो ये 2 दिन फिर त्योहार पर पड़ते घूमेंगे, कल सुबह सुबह दोबारा मशीन लगाऊंगी, चादर नहीं चेंज करूंगी, तो प्रेस कर लेती हूँ और फिर बाद में चूरमा बनाऊंगी, इतने दिन पापा आ जाएंगे। वो कम्बल में लगा रखे है, कम्फर्ट कम्बल में आ रही है खुशबू, कम्बल धोए थे ना कम्फर्ट में, तो इनमें कई दिन ऐसी खुशबू आएगी जोर की, कल सफाई की थी ना सारे धोए थे ना, तो 3-4 दिन खुशबू आएगी। कैसा लग रहा है दीदी के बिना? अब भी गंदा लग रहा है? नू कह रही है मम्मी मुझे बहुत गंदा लग रहा है। राम राम सभी को, और थोड़ी देर पहले एडवांस हैप्पी होली सभी को, थोड़ी देर पहले को, अभी तो 8:30 हो गया, तो 12 बजे पास तो लगी जाएगी होली। और कैसे हो आप सब लोग?
होली मनाना अच्छे से अपने अपने घर में। और इन्नू कैसी है? इन्नू ठीक है। और दीदी कहाँ गई? हॉस्टल में पढ़ने के लिए, गंदे टीचर के पास। वो पढ़ाई नहीं करती है ना, तब भेज दी वो। और तब भेज दी मैं उसे। पढ़ती है बेटी, है ना? है ना बेटा? अभी उसको डंडे मार मार के टीचर पढ़ा देंगे ना, तो फिर वो होशियार हो जाएगी। फिर हमारी बेटी, वो हमारी दीदी है, वो बड़ी डॉक्टर बन जाएगी। फिर इन्नू के इंजेक्शन लगाया करेगी। इंजेक्शन क्यों लगाएगी? और ठीक है जी, होली खेला है तुम तो? होली खेला है थोड़ी बहुत ही, लेट हो गई ना, तो प्रोग्राम तो बना रखा था सब खेलने का। गाड़ी आ गई फिर लेट हो गई थी उसकी वजह से। अच्छा, तो वो कर रखे, जाओ राड लगा रखे ना, आयो आत्मू दो क्या ना आए, आओ कलर कलर का बजा ये इसमें रख दे, उसमें रख दे। हाँ तो गाइस, किचन का लगभग सारा काम हो गया। देखो चूरमा और खीर बना के छोड़ दे दिया है, और दो रोटी और सब्जी थोड़ी बच रही है, वो बहुत है। साचे पापा तो लेंगे नहीं, और सुबह के लिए छोले भी बो दिए हैं। मैं सुबह छोले पूरी बना दी। इधर आ जा। तो गाइस खाना पीना खाएंगे और पहले साची से बात करेंगे। आज ही व्लॉग्स की तरफ से हैप्पी होली बोलो सभी। हैप्पी होली। तो गाइस मेरे और मेरे परिवार के तरफ से हैप्पी होली सभी को, हैप्पी होली। कल का व्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो कल का व्लॉग पूरा देखना, और व्लॉग को बीच में छोटा मत करो, लास्ट तक देखा करो, मजा आता है व्लॉग देखने में। और कल होली है, तो पूजा वगैरह पाठ वगैरह सब दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय। तो मिलते हो कल एक अंदर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय गाइज।